हिसाब से ठीक ही होंगे। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन 4 का आगाज हो गया है और बहुत सारे लोग जो लास्ट ईयर मुझे बोल रहे थे कि सर हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलनी है, हम लोगों को घर जाना है, हम लोगों को अच्छा खाना खाना है, हम लोगों को घर वालों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, अपने घर में अपने गांव में रहना है, तो आपके लिए एक और मौका मिला है। आप लोग अपने घर में और अच्छे से और थोड़ा ज्यादा इत्मीनान से रह सकते हैं। हाँ या ना? रह ही सकते हैं, सही बात है। तो ये छुट्टी आप लोगों की एक्सटेंड कर दी गई है। अभी तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई और बात में मुझे पता लग रहा है कि कुछ लोग घर में रहकर बोर भी हो गए हैं, है ना? सही बात है। किससे बोर हो गए हैं? तो अपने घर वालों से बोर हो गए हैं। किससे बोर हो गए हैं? तो घर की चीजें खा खा कर बोर हो गए हैं। किससे बोर हो गए हैं? तो टिकटॉक से बोर हो गए हैं। अरे टिकटॉक, पता है टिकटॉक के बारे में? हाँ या ना? जिसकी रेटिंग 4.9 थी उसकी रेटिंग 2 आ गई है। मतलब क्या है? आप इससे बोर हो गए, ठीक है? आपको पता ही होगा इसकी रेटिंग 2.0 पे आ गई है। नेक्स्ट पबजी, पबजी से बोर हो गए। अपने अगल बगल वाले दोस्त, उससे बोर हो गए। आकर लोग बुलाते हैं बट हम लोग जाते नहीं है, है ना? बोर मतलब देखकर हमको ये समझ में आ रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है ना? हर चीज चेंज हो रहा है। पहले हमको लगता था कि हम घर में रहे हैं, अब हमारा मूड चेंज हो गया, अब हमको लग रहा है, क्या लग रहा है कि अब हम कहीं और जाकर रहे। जो रांची में रह रहे थे हम लोग वहां पे जाए, वहां पे जाकर के रहे, अपनी जगह को चेंज करें, है ना? सही बात है। दुनिया में कोई भी चीज कॉन्स्टेंट नहीं है, ना ही प्यार कॉन्स्टेंट है, ना ही टाइम कॉन्स्टेंट है, ना ही ये जो कोरोना वायरस चल रहा है आपका ये कॉन्स्टेंट है। कोई भी चीज यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, ना ही आपका मूड कॉन्स्टेंट है। सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है सर। आप ऐसा बोले कि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए सबसे पहले प्यार कॉन्स्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक बदल से कोई अच्छा सा चेहरा पार हुआ, हमारा प्यार पलटकर उस चेहरे पे चला जाता है। दूसरी बार कहीं और जा रहे हैं, हम देखते हैं एक और अच्छा चेहरा पार हुआ तो हमारा प्यार पलटकर किसी और की तरफ चला जाता है। तो दुनिया में कोई भी चीज कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई भी चीज कॉन्स्टेंट नहीं है। तो हम लोग एक और चीज देखें इसमें कि हमारा पढ़ाई भी कॉन्स्टेंट नहीं है। पढ़ाई कॉन्स्टेंट है क्या? नहीं, है ना? कभी हम 2 मिनट पढ़ते हैं तो कभी 5 मिनट पढ़ते हैं तो कभी आधा घंटा पढ़ लेते हैं, और कभी 3-3 दिन तक तो हम लोग किताब ही नहीं निकालते हैं। सही बात है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर पढ़ाई नहीं करने के पीछे रीजन क्या है? क्या आप थक गए हैं? क्या आपका नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है? क्या है रीजन? क्या आपके पास एनर्जी नहीं है? आखिर रीजन क्या है, क्यों आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आपके नहीं पढ़ने का कारण आप खुद हैं? हाँ, हो सकता है आपके नहीं पढ़ने का कारण आप खुद हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि आपको हर तरह के रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हर तरह की चीजें आपको दी जा रही हैं, घर वाले हर एक चीज, हर एक बेसिक नेसेसिटीज आपकी पूरी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे आपका ड्रॉबैक है। और आपके नहीं पढ़ने का रीजन क्या है? आप खुद हैं। आप अपने इंसान अंदर के जो हैवान है उसको जगाइए, अपने अंदर के डेविल को, अपने अंदर के बीच को जगाइए, ठीक है? क्योंकि ये जो टाइम अभी मिला है ये टाइम भी कॉन्स्टेंट नहीं है और ये पार हो जाएगा। कुछ दिन के बाद आप लोगों को ऐसा रहेगा, अरे हमारा तो एग्जाम आ गया है, अभी हमको एग्जाम भी देना है और हमारी कुछ तैयारी नहीं है। अभी हमको तो अभी हम लोग को ये लग रहा है कि अरे यार अभी तो हम कुछ पढ़े ही नहीं है, ठीक है? अभी तो स्कूल वाला भी कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी हम कहां से क्या करें। तो याद रखिए,
हम लोग जो ये बात सोच रहे हैं कि हाँ स्कूल खुलेगा तब हम लोग पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये बोलते हैं कि अरे कल से पढ़ेंगे। याद रखिए, कल टाइप का कोई भी चीज नहीं होता है, जो भी है आज है और अभी है। अरे अभी शाम में क्या होगा मेरे साथ, तो वो तो हमको पता ही नहीं है, तो कल तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो आप लोग प्लीज अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को एजुकेशन की तरफ लाइए। आपको खुद अभी के सिचुएशन देख के समझ में आ रहा होगा कि एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, आपको एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। आप आज के टाइम में अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो लोग आपको पूछते भी नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, बात यह है कि हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ने का एक ही रीजन है, और वो ये है कि हमारा फोकस नहीं है, हमारा गोल नहीं है। अगर हमारे पास गोल होता, अगर हम कुछ चीज को टारगेट बना लिए होते, कोई भी चीज जो मेरा टारगेट होता, तो हम उस चीज पे काम कर सकते थे। बट अभी मेरे पास काम करने के लिए कोई टारगेट ही नहीं है, और अगर काम करने के लिए टारगेट नहीं है तो हम किस चीज पे? फिर तो मेरे लिए हर रास्ता खुला है, हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। यही हाल होता है। आपने नाम सुना होगा मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह का नाम तो सुने होंगे लोग। आपको पता है वो पहला रेस का क्यों जीता? वो जिस बटालियन में था, उस बटालियन में खाना तो मिलता था, लेकिन उस क्वालिटी का खाना नहीं मिलता था। उसे चाहिए था अपने खाने में दूध, और पहला रेस उसका जीतने का कारण वो दूध था, वो मिल्क था। उसको बोला उसके टीचर ने, उसके ट्रेनर ने, कि तुमको मिलेगा दूध, मिलेगा अच्छा फूड, मिलेगा अगर तुम ये रेस जीतोगे। और वो पहला रेस उसके जीतने का कारण क्या बना? तो बना उसको दूध, उसका अच्छा खाना। दूसरा रेस मिल्खा सिंह कैसे जीता? दूसरे रेस में उसको चाहिए था क्या? इंडिया टीम का कोट, टीम इंडिया का कोट, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसने किसी का लेकर पहना था, आप लोगों ने देखा होगा भाग मिल्खा भाग में कि वो किसी का कोट लेकर पहनता है तो वो लोग उसे बहुत मारते हैं और मार कर इंजोर्ड कर देते हैं। बाद में वही बात होता है, उसे बोला जाता है कि अगर तुम्हें ये कोट चाहिए तो उसे हरा कर दिखाओ, अगर तुम्हें ये कोट चाहिए तो उसे हरा कर दिखाओ। और दूसरा बार उसका गोल बना वो कोट कि मुझे टीम इंडिया का कोट चाहिए ही चाहिए, और अगर टीम इंडिया का कोट चाहिए तो हमको उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो रेस में गया, और उस रेस में जाने के बाद वो इंजर्ड था, उसके पैर में चोट लगा हुआ था, उसके बाद भी वो दौड़ा। और दौड़ने के बाद क्या हुआ? दौड़ने के बाद वो रेस जीता और टीम इंडिया का कोट मिला। तो दूसरी बार उसके पास जो गोल था वो गोल था क्या? इन टीम इंडिया का कोट। तीसरी बार भी उसके पास गोल था, वो जब रेस जीता, वो पाकिस्तान जब वो गया, उसको फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया। आज हम लोग जानते हैं मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से। आप अगर देखेंगे तो वो रेस में वो जिस तरह से वो दौड़ रहा था, वो ये नहीं लग रहा था कि वो दौड़ रहा है, वो लग रहा था कि वो उड़ रहा है। उसके टीचर ने उसको टारगेट दिया 45.9 सेकंड्स। कितना था? 45.9 सेकंड। उसने पूछा कि सबसे कम टाइम में रेस कितने में जीता जा सकता है। उसे बोला गया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बनाना होगा तो 45.9 सेकंड में। उसके बाद नेक्स्ट गोल उसका क्या मिला? उसको 45.9 सेकंड का गोल मिला, और वो उस गोल पर फिर काम करना स्टार्ट किया। 45 तो आप देखे होंगे, वो पहाड़ियों पर गया, पहाड़ियों पर जाकर के वो तैयारी कर रहा था। तो कोई भी चीज बहुत आराम से नहीं मिलती है वहां पे, उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, बहुत दर्द सहना पड़ा, बहुत पेन सहना पड़ा। अभी तो हम लोगों को थोड़ा ना कुछ होता है ना, सर्दी खांसी भी, तो हम लोग ना पढ़ते हैं, ना ट्यूशन जाते हैं, ना स्कूल जाते हैं। हार्ड वर्क जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। उसके उसी हार्ड वर्क में उसको फ्लाइंग सिख का नाम दिलवाया। इसके बाद आते हैं आगे की चीज। पहला तो था हमारा गोल क्या है, हमारा फोकस क्या है। दूसरा चीज, हमको जो भी चीज डिस्ट्रैक्ट करे उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, उस डिस्ट्रैक्शन को हटाइए। मिल्खा सिंह के हारने के पीछे भी ऑस्ट्रेलिया में एक डिस्ट्रैक्शन था, वो डिस्ट्रैक्शन थी वो लड़की। यहां पे भी डिस्ट्रैक्शन है, और डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह से आ सकता है। सोशल मीडिया हो सकता है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है, पबजी हो सकता है। ये सब चीजें हमारे नस्ल को बर्बाद करने के लिए लाई गई हैं। और आज के टाइम में हिंदुस्तान के मैक्सिमम बच्चे यही चीज यूज करते हैं। लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और कुछ वीडियोस बना रहे हैं। अरे आपको अगर डेवलप करना है अपने आप को, तो अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग बनाइए।
किसी डिस्ट्रैक्शन के बाद भागिए। हम लोग चार चार घंटे बैठकर टिकटॉक देख लेते हैं। मैंने खुद एक बार एक्सपीरियंस किया है टिकटॉक के साथ कि जब मैं बैठकर देख रहा था तो चार घंटे कैसे निकल गए मुझे तो पता भी नहीं चला। ठीक है, बहुत बार फेसबुक बैठ के देख रहे हैं, फेसबुक का कैसे टाइम पास हो गया पता भी नहीं चला है। ठीक है, आप सबको यूज कीजिए, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं मत यूज कीजिए, हर एक चीज के लिए टाइम बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप ही बैठे हैं चार घंटे पबजी खेल लिए बैठ करके, तीन घंटे टिकटॉक देख लिए। नहीं, अगर हमको टिकटॉक भी देखना है तो 15 मिनट बैठ के टिकटॉक देखेंगे, अगर हमको फेसबुक देखना है तो 15 मिनट देखेंगे। अरे दिन भर में 24 घंटा होता है, हम 1 घंटा देंगे इसको? हम ऐसा नहीं है कि आपने दिन का 12 घंटा किसको दे दे, टिकटॉक फेसबुक और बहुत इस तरह की चीजें आती हैं, इन लोगों को अपने दिन का 12 घंटा दे दें। अगर ऐसा होगा तो याद रखिए आने वाले दिन में जो हिंदुस्तान कहलाता है कि सबसे नया देश है, यंग जनरेशन है, ये यंग जनरेशन हिंदुस्तान के लिए कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग अपने डिस्ट्रैक्शन को देखिए, अपने आपको जो भी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज को देखिए और उससे दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हाँ हम फोन है, फोन हम यूज नहीं करेंगे रात में 8 बजे के बाद, हम नहीं फोन यूज करेंगे। ठीक है, दिन भर में 16 घंटा नहीं फोन यूज करेंगे, 15 घंटा नहीं यूज करेंगे, 20 घंटा नहीं यूज करेंगे, 40 घंटा यूज करेंगे हम। लेकिन अभी के टाइम उल्टा हो रहा है, लोग 20-20 घंटे फोन यूज कर ले रहे हैं और जो टाइम है, जो अच्छा गोल्डन टाइम मिला है, उस गोल्डन टाइम को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तीसरा चीज, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज, अपने गोल को बढ़ाइए। ठीक है, कोई भी चीज, आप देखिए कि आप किसके साथ रह रहे हैं। ठीक है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसके साथ रह रहे हैं वो नेगेटिव थिंकिंग वाला इंसान है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके साथ रह रहा है उसका कोई गोल ही नहीं है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके साथ है वो कुछ सोचता ही नहीं है, दिन भर पड़ा हुआ है, घर से पैसा आ रहा है, खा रहा पी रहा, टाइट है? ठीक है, नहीं, एक ऐसे इंसान से दोस्ती कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को इस तरह से रेस कीजिए कि आप सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में ही आए। लास्ट बात आपके लिए ये है इस चीज से कि आप कभी भी अपने मेंटोर को मत भूलिए। आपने देखा होगा मिल्खा सिंह को ही, ठीक है, वो सब कुछ हो जाता है, वो जाता है जीत कराता है, पाकिस्तान से भी जीत कराता है, बट फाइनली वो लाता है अपना वो जो मेडल होता है और अपने जो टीचर वो जो सरदार जी रहते हैं हमारे उनको जाकर के वो पहनाता है। तो वो कभी भी अपने टीचर के लिए गलत नहीं सोचा, कभी भी अपने टीचर को वो भूला नहीं और वो हमेशा अपने टीचर के साथ ही जो है साथ दिया है और हमेशा अपने टीचर के साथ ही रहा है। दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है लेकिन हम लोग उस तरह से काम नहीं करते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल बने। आपको हम एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाते हैं, बहुत अच्छी सी कहानी। ठीक है, एक गांव रहता है, उस गांव में एक बाप और एक बेटे हैं जो कि मूर्तिकार है, मूर्तिकार मतलब जो कि मूर्ति बनाता है, और वो जो बाप है वो बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता है। ठीक है, बेटा छोटा रहता है, वो अपने बेटे को पहले मूर्ति बनाना सिखाता है। तो बेटा एक मूर्ति बनाकर देता है तो बाप बोलता है कि अच्छा है बट इससे और अच्छा हो सकता है, इसकी कमियों को दूर करो। बेटा फिर उस कमियों को दूर करता है, फिर से वो मूर्ति ले जाता है, फिर से मूर्ति दिखाता है बनाकर अपने बाप को। फिर बाप बोलते हैं उसके कि हाँ ठीक है कि ये तो तुमने बनाया है ये ठीक है लेकिन इसकी जो कमियां है उस कमियों को दूर करो। ठीक है, इसी तरह से साल बीतते जाते हैं, वो जो पिताजी हैं वो पिताजी अपने बच्चे को बताते हैं, हर बार वो मूर्ति लेकर जाता है और हर बार उसको यही आंसर सुनने को मिलता है कि हाँ इसमें जो ये कमियां हैं ये कमियों को दूर करो। ठीक है, वो करता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना अच्छा मूर्ति बनाता है कि उसकी मूर्ति उसके पिताजी से ज्यादा कॉस्टली बिकती है, ज्यादा कॉस्टली बिक रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और उसके पिताजी की जो मूर्ति है उसका वही सेम कॉस्ट है, लोग उसको इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर वो अपनी मूर्ति लेकर जाता है अपने पिताजी के पास, वो पिताजी को बोलता है ये देखिए कैसा है, तो वो पिताजी फिर बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है पर तुम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, और भी अच्छा इसको कर सकते हो, इसमें ये चीजें चेंज करो। तो इस बार क्या होता है ना कि उस लड़के का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है, वो सुनकर चला आता है, फिर लेके आता है, फिर जाता है अपने पिताजी के पास दूसरी मूर्ति बनाकर लेकर, फिर तो पिताजी फिर से वही सेम बात बोलते हैं। तो इस बार वो बोलता है कि मेरे ख्याल से मैं आपसे ज्यादा अच्छा मूर्तिकार हूँ, मेरी मूर्ति आपसे ज्यादा कॉस्टली बिकती है, मेरी मूर्ति की डिमांड आपकी मूर्ति से ज्यादा है और मुझे बार बार ये सीख मत दिया कीजिए। उसका बाप जो है, उसके पिताजी जो है, वो उसको अब वो बात बोलना बंद कर देते हैं।
कुछ दिन की टाइम पास होता है तो वो देखता है लड़का कि उसकी मूर्ति का सेम कॉस्ट मिल रहा है, कॉस्ट बढ़ नहीं रहा है, लोगों के डिमांड कम होते जा रहे हैं, लोग अब उसकी मूर्ति का डिमांड नहीं कर रहा है। तो वो जाता है फिर से अपने पिताजी के पास, बोलता है देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उसके पिताजी बहुत शांत से सुनते हैं उसको और बोलते हैं कि हाँ। तो बोलता है कि आपको ये पहले पता था? तो बोला कि हाँ पता था। तो बोले कि फिर आपने मुझे बताया पहले से क्यों नहीं? तो उसने उसके पिताजी ने बोला कि मैंने नहीं बताया क्योंकि यही गलती मैंने भी अपने टाइम पे किया था, ठीक है, मैं भी अपने पिताजी की बात नहीं माना था, मुझे भी लगा कि मैं बहुत ही अच्छा मूर्तिकार हूं। यहाँ पे अगर आप चीजें तो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब तक कोई आपको बोल रहा है कि अपने आप को इंप्रूव करो, आप इंप्रूव कर रहे हैं तो आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ, जितना जिस दिन सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ ये मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है, तो याद रखिए उस दिन के बाद से आपका ग्रोथ कम हो जाएगा, उस दिन के बाद से आप ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे पहले तो आपको अनसेटिस्फाइड रहना होगा अपने किसी भी चीजों से। आज हम 10 घंटा पढ़े हैं, अरे यार 10 ही घंटा पढ़े हैं, हम अनसेटिस्फाइड है। आज मैंने इतना चैप्टर्स कंप्लीट किया, नहीं ये कम है, हमको आज और करना था। आज मतलब हर एक चीज में आपको अनसेटिस्फाइड होना होगा। दुनिया में लोग अनसेटिस्फाइड है, इसीलिए लोग इतना तरक्की कर रहे हैं। आप जानते हैं दुबई एक ऐसा शहर है जहां पे सिर्फ बालू ही बालू है, जहां पे इमारतें खड़ी करनी बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां का जो राजा है, वहां का जो शेख है, वो अनसेटिस्फाइड है। वो चाहता है कि हम इस बालू में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी करें, और उसने उसको खड़ा कर दिया है। आप बुर्ज खलीफा का नाम सुने होंगे, तो ये उसका अनसेटिस्फैक्शन लेवल है। अभी वो उससे खुश नहीं है, वो बोलता है कि इस बार हम जो बनाएंगे बिल्डिंग वो बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी। तो वो क्या है, वो अनसेटिस्फाइड है, और जब तक वो अनसेटिस्फाइड है वो अपने हर एक गोल को अचीव करेगा। जिस दिन उसको ये लगेगा कि हाँ ये वाला बिल्डिंग जो हम बना दिए हैं ये बहुत अच्छा है, इससे अच्छा नहीं बन सकता है, तो याद रखे उस दिन के बाद से वो ग्रो करना बंद कर देगा। आज के टाइम में अगर दुबई ग्रो कर रहा है तो वहां के लोगों का, वहां के काम करने वालों का, वहां के पढ़ने वालों का, वहां के शेख का, वहां के राजा का, इन सब का अनसेटिस्फैक्शन लेवल है। हम लोग अगर अनसेटिस्फाइड हैं तो ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम जिस दिन सेटिस्फाइड हो जाएंगे उस दिन हम सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। तो आप लोग प्लीज हमारी बातों को माने और अनसेटिस्फाइड रहे, पढ़े। एजुकेशन वन ऑफ द बेसिक नेसेसरी आप लोग के लिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आप लोग सुने होंगे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हिंदुस्तान को बढ़ाना है, हिंदुस्तान को आगे लेकर चलना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, वो बोलते हैं कि हाँ सबका विकास। तो सबका विकास कैसे होगा, हम सब पढ़ेंगे, सब एजुकेट होंगे, आगे बढ़ेंगे तभी तो सबका विकास होगा। सही बात है या नहीं है? सभी लोग ग्रो करेंगे, कब करेंगे? अरे सब मिलकर पढ़ेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग तरक्की करेंगे। आप लोग से बस इतना ही बोलना है हमको, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग 2-5 मिनट का वीडियो देखते हैं और उसको फिर बंद कर देते हैं। याद रखें जिस दिन स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलने के बाद एग्जाम्स होंगे, ठीक है, कहीं भी कोई भी सेक्टर खुलेगा, जिस दिन ऑफिस खुलेंगे आपको मारा मारी कर दिया जाएगा, ठीक है, हर एक के लिए ये चीजें वैलिड है। तो आप लोग प्लीज अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत करें, अनसेटिस्फाइड रहें लाइफ में, अनसेटिस्फाइड रहेंगे तो तरक्की करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिशान सर फिजिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीजों को पहुंचाने की कोशिश करें। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।